हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा इससे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थ्री टाइप्स की मेथड से सॉल्व होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमें 3.3 में करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट, जो कि आपका पेज नंबर एनसीईआरटी में पेज नंबर 50 पे एग्जाम्पल नंबर 7, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 क्वेश्चन है इसमें कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन था 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, देन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्यूशन। लेट 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन में हमें वो इक्वेशन पहले लेनी है जिसमें x या फिर y अकेला हो। अकेला हो मींस कि उसके साथ कोई कोफिशियंट ना हो अदर देन वन। तो x के साथ कोफिशियंट 1 है। एक और बार आप ध्यान से सुन लीजिए, हम दोनों इक्वेशन में वो इक्वेशन पहले लेंगे जिसमें x या फिर y अकेला हो। तो इस दोनों में सेकेंड इक्वेशन में x अकेला है, इसीलिए हम इसी को पहले लेंगे। तो देखा, टेकिंग इक्वेशन सेकेंड, कौन सी इक्वेशन लेंगे सेकेंड, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3, देन एक्स यहीं पे छोड़ा, 3 माइनस टू वाई, दिस इज अवर इक्वेशन थर्ड। कौन सी इक्वेशन में लिया हमें थर्ड। अभी हमने कौन सी इक्वेशन से लिया था, ये इक्वेशन सेकेंड से। जिस इक्वेशन से हम लेते हैं हम जस्ट उसके अपोजिट वाली इक्वेशन में रखते हैं। जैसे कि हमने अभी सेकेंड ली तो इस थर्ड वाली इक्वेशन को फर्स्ट में रखेंगे। अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन ली होती तो थर्ड इक्वेशन निकलने पर उसको हम सेकंड में रखते। ओके ठीक। अब पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन फर्स्ट, जहां भी x है वहां पे हमें 3 माइनस 2y रखना है इक्वेशन फर्स्ट में। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ओके, 7 का 7, x की जगह पे हम रखेंगे 3 माइनस 2y, क्या रखेंगे 3 माइनस 2y, देन अगेन
माइनस 15y इज इक्वल टू 2, 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 थ्री जा 21, 7 टू जा 14y, 15 का 15, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स सेपरेट करेंगे, मतलब y वाले टर्म्स इधर ही छोड़ेंगे और बिना y वाले इस साइड ले आएंगे, तो ये माइनस y, माइनस 14y, माइनस 15y, देन 2 और ये 21 इस साइड ट्रांसपोज हुआ, तो ये माइनस का 21 हो गया। एनी डाउट? नहीं होनी चाहिए। माइनस माइनस प्लस, देन बड़ी डिजिट माइनस की है, तो माइनस का 29y, 29y, 2 माइनस 21, देन वी गेट माइनस 19, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जब भी कोई टर्म प्लस में रहता है तो माइनस में ले जाते हैं, माइनस में रहता है तो प्लस में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में रहता है तो डिवाइड में ले जाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में, इसको हम सामने वाले के डिवाइड में लेके जाएंगे, देन y इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 29, देन माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास बचा y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। अब ये y की एक वैल्यू आ गई, इसको हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, बट हम नॉर्मली थर्ड में रखते हैं, क्यों? बिकॉज इजी पड़ता है, तो देन पुटिंग y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29 इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, देन x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 और y की जगह पे रखा 19 अपॉन में 29, देन अगेन x इज इक्वल टू 3 माइनस 19 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 38 अपॉन में 29 अपॉन में 1 माना। जब भी किसी एक टर्म में फ्रैक्शन हो और एक टर्म में फ्रैक्शन नहीं हो तो हम अपॉन में 1 मान के उसको फ्रैक्शन कर लेते हैं, फिर 29 और 1 का एलसीएम, देन x इज इक्वल टू 29 1 का एलसीएम 29, 1 का 29 में डिवाइड दिया जो कि हम बेसिक में सीख चुके हैं, 29 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 87 आया, 29 का 29 में डिवाइड दिया तो 1 आया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 38 आया, देन 87 में सिर्फ 38 गया तो 49 अपॉन में 29, 49 अपॉन में 29, ये हमारे आंसर्स है, आंसर्स ओके, सो प्लीज नोट कर लीजिए।